हमारे साथ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल जी हैं। सर, एक बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की है और ये कहा जा सकता है जिले में दो विधानसभा आप लोगों ने जीती है, किस तरीके से देते हैं, जनता का आभार किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो मैं जनता ने तीसरी बार कर्णप्रयाग विधानसभा से अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विधानसभा भेजा है और अपने देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, तन मन धन लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, मेरे लिए काम किया, इसके लिए मैं सभी क्षेत्रीय जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना हूं कि जिन्होंने विश्वास व्यक्त करके मुझको कर्णप्रयाग विधानसभा से टिकट दिया है। सर, एक और चीज़ है कि आपकी पूरी कैबिनेट जीत गई, केवल मुखिया और एक आपके हरिद्वार ग्रामीण के जो मंत्री थे वो अपना चुनाव हार गए, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ कमी रह गई कि मुखिया ही हार गया? देखिए, मुझे नहीं लगता कमियां कहीं पे रही होंगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत तीतोड़ मेहनत करी है। अब किन परिस्थितियों में वहाँ का चुनाव हुआ मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम लोग तो अपने ही चुनाव में व्यस्त रहे। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिले में दो विधानसभा सीटें आप जीत गए चमोली में, लेकिन जो बद्रीनाथ की विधानसभा सीट थी वो कुछ वोटों से हारे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि भीतरघात हुआ था, इस वजह से महेंद्र भट्ट अपना चुनाव हारे हैं, क्योंकि आप भी उसी जिले से हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी भीतरघात का तो हम क्यों इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे सामने वैसी परिस्थितियां नहीं रहीं और हम कर्णप्रयाग विधानसभा में अपना चुनाव में व्यस्त रहे, इसलिए अन्य विधानसभाओं की स्थिति क्या रही बहुत ज़्यादा हम उस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम कर्णप्रयाग विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं रही। सर, कई विधायक मांग कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार और भरोसा करना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, आपकी क्या राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, जो भी आदेश शीर्ष नेतृत्व का होगा हम सब लोग सहमत होकर के उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल नौटियाल, जिन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।